राजपूत मामले में नाम सामने आ रहा है। अब नई खबर आई है कि एनसीबी ने 25 लोगों की लिस्ट तैयार की है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के 25 ऐसे सितारे जो कि कई नामी हैं, कई गुमनामी में हैं, कई ऐसे हैं जो कि पर्दे के पीछे भी ऐश आराम की जिंदगी फरमाते थे। कई बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने चाहने वालों की आंखों में धूल झोंक रहे थे। जी हाँ, शराफत के नकाब पहने वाले कई ऐसे सितारे हैं जिनकी सच्चाई सामने आने वाली है, क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम अब बॉलीवुड के पड़ गई है हाथ धोकर पीछे। जी हाँ, पर चाहे वो सलमान हो, संजय दत्त हो, रणबीर हो, रणवीर सिंह हो, कंगना रनौत हो, या फिर बच्चन परिवार हो, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, या फिर वरुण धवन, बॉलीवुड के ये सभी नामी सितारे जो कि बॉलीवुड में कर रहे हैं काफी समय से राज, उन सभी के इमेज, उनकी करियर और उनकी निजी जिंदगी उथल पुथल से पूरी तरह से बिगड़ सी गई है, बैलेंस बिगड़ गया है। क्योंकि पैंडेमिक में जिस तरह से फाइनेंशियली सभी सितारों को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, और सुशांत सिंह राजपूत का 14 जून की तारीख को बांद्रा के अपने अपार्टमेंट में निधन हो जाना, इसके बाद ड्रग एंगल को लेकर एनसीबी का इस पर खुलासे करना कहीं ना कहीं बॉलीवुड को मुश्किल में डाल रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करता रहा है कि सलमान ने रिया चक्रवर्ती की मदद की है। कहीं ना कहीं सलमान खान का नाम आता ही रहा है। ये बात अलग है कि सलमान सुशांत से जब भी मिले हैं बहुत ही ज्यादा वार्म गेस्चर रहा है, लेकिन सलमान की पर्सनल पार्टीज में, सलमान खान की प्राइवेट पार्टीज में कभी भी सुशांत इनवाइटेड नहीं थे। आउटसाइडर की तरह सुशांत को ट्रीट किया जाता था, ये सब कहना है कंगना रनौत का। लेकिन कंगना खुद ही अपना टेस्ट कराएंगी मेडिकल एग्जामिनेशन में, और नारकोटिक के एक्ट के तहत वो कितनी सही है ये बात तो वक्त बताएगा, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड का नाम लिया, बॉलीवुड के हर सितारों के बारे में वो जानती है जो कि इस तरह के नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, उनका कहना है। लेकिन सलमान के अपने ही ब्रदर इन लॉ यानी कि सुहेल खान के ब्रदर इन लॉ बंटी सचदेव की बात करें तो वॉटर स्टोन में रहने वाली रिया के कॉर्नर स्टोन अपनी कंपनी को लेकर बंटी सचदेव जो है पूरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि नया खुलासा हुआ है कि एनसीबी अब उनसे पूछताछ करेगी। खान परिवार के घर छापेमारी हो सकती है, 25 लोगों के घर पर छापेमारी होने वाली है, बॉलीवुड के बड़े दिग्गज भी उसमें शामिल हो सकते हैं। नई खबर आई ये है कि अब जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया को गिरफ्तार किया गया है, और तमाम जो अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है, सुशांत के करीबी, सुशांत के नौकर्स और सर्वेंट्स को के साथ साथ स्टाफ, ऐसे में रिया चक्रवर्ती ने भी कई बड़े नाम का पर्दाफाश किया है। और सलमान खान के ब्रदर इन लॉ सोहेल खान के ब्रदर इन लॉ बंटी सचदेव की बात करें तो सीमा खान के ये भाई मुश्किलों में है, क्योंकि एक नए शख्स के साथ 13 जून की तारीख को सुशांत की हुई थी बात, जो कि रखता है कनेक्शन सलमान खान के पारिवारिक रिश्तेदार बंटी सचदेव के साथ, जिससे बड़े खुलासे हम आपको बताएंगे। कहीं ना कहीं कटघरे में कोर्ट में पेशी हो सकती है खान परिवार के रिश्तेदार की। तो आइए जानते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में पूरी बातें क्या है आई सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं आपकी होस्ट श्रुति आपको बताने वाली हूँ कैसे सुशांत मामला खान परिवार के लिए मुश्किलों में उन्हें डाल रहा है। तो सीमा खान के ये भाई मुश्किलों में है, क्योंकि एक नए शख्स के साथ 13 जून की तारीख को सुशांत की हुई थी बात, जो कि रखता है कनेक्शन सलमान खान के पारिवारिक रिश्तेदार बंटी सचदेव के साथ, जिससे बड़े खुलासे हम आपको बताएंगे। कहीं ना कहीं कटघरे में कोर्ट में पेशी हो सकती है खान परिवार के रिश्तेदार की। तो आइए जानते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में पूरी बातें क्या है आई सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं आपकी होस्ट श्रुति आपको बताने वाली हूँ कैसे सुशांत मामला खान परिवार के लिए मुश्किलों में उन्हें डाल रहा है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सलमान खान के अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि सोहेल खान के ब्रदर इन लॉ बंटी के बारे में हम बात करेंगे, जो कि सलमान की बिल्कुल जिगरे यार की तरह हैं। उन्हें लेकर जब खबर आई कि वो इन्वॉल्व थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कॉर्नर स्टोर कंपनी को लेकर, जिनके वो सीईओ हैं, इसके कारण से वहां भी पार्टीज चलती थी और तमाम तरह की जानकारी मिली। अब इस पर भी उन्होंने अब तक सफाई नहीं दी है। एनसीबी ने उनसे सवाल करने का फैसला लिया है। 25 लोगों की लिस्ट जो जारी हुई है बॉलीवुड सितारों की, इसमें
खान फैमिली के ही संपर्क में रहने वाले सितारों का नाम शामिल माना जा रहा है। रिया ने कई बातें कबूल की और गिरफ्तार होने के बाद ये भी बताया है कि बॉलीवुड में सुशांत की इन पार्टीज में आखिर वो सेलेब्स कौन थे जो कि शामिल हुआ करते थे और इलीगल तरीके से नशीली पदार्थ का सेवन किया करते थे। ऐसे में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि राज सिर्फ इतना ही नहीं सामने आया, राज ये भी सामने आया है कि सुशांत सिंह राजपूत खुद 13 जून की तारीख को दिशा साल्यान जो अपनी मैनेजर थी उनके लॉयर से बात कर चुके थे, उदय नाम के एक शख्स से बात कर चुके थे। ये खुलासे हुए हैं, हम आपको बताना चाहेंगे इससे जुड़े खुलासे बहुत हैरान कर देने वाले सामने आए हैं। जी हाँ, लॉयर को लेकर ये राज खोला है कि सीबीआई ने ये लिंक दिशा के निधन के बाद का सच सामने लाया है कि सेलिब्रिटी मैनेजर जो सुशांत सिंह राजपूत की थी दिशा, उनके गुजरने के ठीक एक वीक बाद सुशांत जो चले गए, इसके पीछे सुशांत सिंह राजपूत की दिमागी हालत स्थिर ना होना ही थी। सुशांत सिंह राजपूत ने मिस्टीरियस तरीके से अपने निधन के समय किसी को इस बात का भनक तक नहीं लगने दिया कि वो आखिर किस तरह के प्रॉब्लम से डील कर रहे थे मेंटली। ऐसे में फॉर्मर सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा के गुजरने के बाद जिनकी मेंटल स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी, जिनके रूममेट सिद्धार्थ पिठानी ने ये बात बताया है कि बहुत तकलीफ में वो थे और वो कहते थे कि दिशा से जुड़ी हर बात मुझे बताना, गूगल पर बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में वो जानना चाहते थे, उन्हें लगता था कि वो बिल्कुल कभी ठीक नहीं होंगे। रिया चक्रवर्ती ने फिर भी उन्हें छोड़कर 8 जून की तारीख को उन्हें छोड़कर वो अपने घर चली गई, वो बहुत बड़ी भूल बनी क्योंकि डॉक्टर ने खुद ही कहा है कि इस तरह के पेशेंट को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखने की जरूरत है, वो निगरानी में रखने की उन्हें जरूरत है जब वो बीमार पड़े। और सुशांत दवाइयां छोड़ चुके थे, सुशांत को रिया छोड़ चुकी थी, रिया ने या इनफैक्ट जब ब्लॉक कर दिया तो मेंटली इसका असर सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में बहुत ज्यादा पड़ा। तो वहीं सलमान खान की बात करें तो सलमान खान ने कभी भी नशीले पदार्थ के सेवन को लेकर इन्वॉल्वमेंट में कभी भी अपना नाम नहीं आने दिया, लेकिन सुशांत मामले में जब छापेमारी होगी तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गजों के बाद सलमान खान के लिए भी मुसीबत बढ़ेगा क्योंकि ऑलरेडी खान परिवार के रिश्तेदार बंटी सचदेव पर मुसीबत टूट पड़ी है। 8 जून की तारीख को जिस दिशा के गुजरने के बाद सुशांत का 14 जून की तारीख को निधन हुआ, उनके गुजरने पर शोक तो व्यक्त कर चुके थे सलमान खान तक ने, लेकिन सलमान ट्रॉल तब हुए जब उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर, सीबीआई इंक्वायरी को लेकर, जस्टिस को लेकर कोई मांग नहीं की और न अपनी तरफ से किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया और सलमान अपने ही कामकाज में व्यस्त रहे, जिसके बाद वो काफी ट्रॉल हुए। यहाँ तक कि लोगों ने कह दिया कि रिया चक्रवर्ती की मदद करने वाले बड़े लोगों में, रिया के साथ मिलने वालों में सलमान खान का भी नाम शामिल है, जो कि इस बात को भले ही छुपाने की कोशिश कर रहे हों कि रिया चक्रवर्ती ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया था, लेकिन सच कुछ और है। प्रेडिक्शंस इस तरह के लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने बात की थी, व्हाट्सएप टेक्स्ट एक्सचेंज किए थे कई लोगों के साथ, इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत जो है इस बात को छुपा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की मोबाइल फोन से भी वो कॉन्टेक्ट उदय नाम के शख्स का सामने आया है जो कि दिशा के बहुत करीबी हुआ करते थे, इसके कारण रिया के बारे में ये बात सामने आई। तो अब रिया ने कई लोगों के नाम सामने लाए हैं, ऐसे में सुशांत की जिंदगी की जो आखिरी कुछ घंटे थे उसमें कई और सेलिब्रिटीज का शामिल होना माना जा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। वह दर्शकों, ये था हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये नए खुलासे हुए हैं जिससे हमने आपको अपडेट कराया है, हमने आपको बताया है कि क्या कहना है बंटी सचदेव को लेकर आई इस नई रिपोर्ट का, एमसीबी हो या फिर सीबीआई, ईडी हो या फिर कोई और, हर किसी को लेकर ये खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम, इन तीनों के साथ सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए सुशांत के सभी चाहने वाले कर रहे हैं इंतजार। या हो चुकी है गिरफ्तार, लेकिन अब भी असली गुनहगार को लेकर कोर्ट से सजा और फैसले, कोर्ट में इस बात को साबित करने का वक्त बाकी है, जिस पर सीबीआई की जीत की तरफ इशारे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सुशांत मामले में बड़े दिग्गजों का हाथ शामिल है। इसी बात को बार बार दोहराने वाली पिछले 2 महीने से ज्यादा जो कंगना रनौत बॉलीवुड के सितारों को लेकर नेपोटिज्म विवाद को जन्म देने के बाद तमाम लोगों के निशाने पर रही है, वो कंगना खुद भी फंसी है।
तो कौन है सही, कौन है गलत और सुशांत के निधन की असली वजह क्या है, इसके बारे में जानने के लिए, ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर बड़े सितारों की जिंदगी के बारे में जानने के लिए, आप हमारे चैनल को नेक्स्ट 9 न्यूज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। बताएं हमें कि क्या आपका रिएक्शन है, क्या आपको भी लगता है सलमान को लेकर ये जो बस ट्वीट किया गया है, रूमर्स ट्वीट किया गया है कि रिया का सपोर्ट करने वाले में बड़े दिग्गजों में सलमान का नाम हो सकता है, ये प्रेडिक्शन क्या आपको लगता है किस हद तक सही है, क्या बंटी सजते से जुड़ा ये कनेक्शन है, रिव्यू हमें जरूर दे। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।